स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फ्रेश वीडियो में, जहाँ पे आप देखोगे कुछ बेहतर अपने जिंदगी के लिए। अगर आप किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई करते हो तो ये कहानी आज आपको पूरा जिंदगी में ऐसा सबक सिखाएगी जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत ज्यादा काफी मदद करेगी। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस कहानी खत्म होते ही मैं श्योर हूँ कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये कहानी हर इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं कॉलेज स्कूल या फिर किसी भी तरह की पढ़ाई या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। ये कहानी है एक ऐसी लड़की दीक्षा की जो एक छोटे शहर में अपनी मम्मी और पापा के साथ रहती थी। दीक्षा के पापा एक प्लाईवुड कंपनी में लकड़ी कारखाने में काम करते थे और दीक्षा की मम्मी ये आसपास के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। बस यही उनकी जीविका थी और यही उनकी रोजी रोटी चलाने के आम सोर्सेस थे, जिससे वो पैसे कमा के अपनी बेटी के लिए प्यारा सा और उसके ज़िंदगी के लिए कॉलेज की फ़ीस और साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी की तैयारी कर लिए उसे अच्छे अच्छे सपने देखने के लिए हमेशा उसकी मदद करते रहते थे। दीक्षा अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी, क्योंकि माँ बाप को हर बच्चा प्यारा ही होता है। और साथ ही साथ दीक्षा हमेशा अपने मम्मी पापा से कहती थी कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, और वो इस बात से लेके बहुत खुश थी कि चलो हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, चलो एक न एक दिन कहीं ना कहीं ये काम कुछ सालों के लिए, कुछ साल के बाद बेटी अगर बड़े हॉस्पिटल में काम लग जाएगा तो हम आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे और ये हमारे खर्चा उठाएगी और हमारी ज़िंदगी खुशी से बीत जाएगी। दीक्षा अभी क्लास में पढ़ रही थी और साथ ही साथ कुछ बिगड़ी टाइप की थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी समझदार थी, लेकिन समझदार होने के साथ साथ नासमझ भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि एक दिन दीक्षा के पापा घर से आए तो उसने बोला कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। उसने बताया कि बहुत अच्छा चल रहा है पापा, बस बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, आज तो स्कूल में मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई की। दीक्षा के पापा बहुत खुश थे कि मेरे बेटी इतनी अच्छे से तैयारी कर रही है। वो अपने कारखाने में जाके अपने फ्रेंड से और ऑफिस स्टाफ से जो भी उनके साथ काम करे थे सबसे बताते थे कि मेरी बेटी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगी और वो खूब मन लगा के पढ़ती है। वो इतनी होशियार थी कि जब भी टाइम मिलता वो कभी भी उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। बस यही वजह थी कि उनके लिए और भी ज़्यादा स्पेशल थी। और इधर दीक्षा जब भी पढ़ाई करने बैठती उसे किसी न किसी फ्रेंड का मैसेज या फिर कॉल या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और उसी में खो जाती थी। पढ़ाई करने के 10 मिनट बाद वो अपने मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि उसे पता ही नहीं लगता था कि उसे 2 घंटे हो गए पढ़ाई को बैठे हुए। और साथ ही साथ उसे बात पता भी थी कि ये उसके लिए कितना गलत है। एक दिन उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए मेरे एग्जाम आने वाले हैं, अब मैं कुछ भी करके फ़ोन को अपने से दूर कर दूंगी और दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करूंगी और अच्छे नंबर से पास हो पाऊंगी। वो ऐसा सोच के फ़ोन को दूर रख के पढ़ाई करने बैठ गई। फिर भी अचानक से उसे याद आया कि अरे यार मैंने तो आज टाइम टेबल देखना ही भूल गई। उसने फिर फ़ोन को लाया और चुपचाप टाइम टेबल देखी और फिर फ़ोन चलाने में व्यस्त हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया, फिर वहाँ पे वो बातें करने लगी। ऐसे करते करते दिन महीना 6 महीने उसने बिता दिए और साथ ही साथ काफ़ी समय अपना बर्बाद कर दिया। एक दिन वो बैठ कर फिर सोची कि आज कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करके ही रहूँगी। उस दिन पापा उसकी शाम को अपनी ड्यूटी से आते हैं तो बताती है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है और अभी मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा उसके बोलते हैं कोई बात नहीं तुम पढ़ाई करो, हम जरूर कहीं ना कहीं से इसका बंदोबस्त कर देंगे। उसके पापा नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और फिर जाके उन पैसों का जुगाड़ कर पाते हैं, फिर भी उस बच्चे की फीस भरते हैं ताकि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर सके। दीक्षा क्या यही उसकी आदत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एग्जाम के एक दिन पहले भी उसका यही हाल था, जब भी फ़ोन चलाने बैठती हर बार उसे कुछ नई चीज़ें दिखाई देती थी और उसी में खो जाती थी। कभी इधर वीडियो, कभी उस वीडियो पे, कभी इस वीडियो पे, देखते देखते उसने उस दिन भी को भी बर्बाद कर दिया। फिर अगली सुबह जब एग्जाम हॉल में बैठी तो चुपचाप उसे क्वेश्चन पेपर आते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। वो आसपास दीवारों को घूर रही थी, पंखों को घूर रही थी और आसपास जो भी उसके स्टूडेंट बैठे हुए थे उन सबको घूर रही थी। और शायद अंदर अंदर उसके मन में यकीन था कि शायद कोई मेरी मदद करे तो मैं कम से कम पास तो हो पाऊँ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या किया जाए। उसने अपना सर पकड़ लिया और साथ ही साथ उसे अंदर अंदर रोना आ गया कि ये क्या किया मैंने, वो बातें पता होते हुए भी मैंने पढ़ाई नहीं करी और आज मेरा समय के साथ साथ उस समय का लिमिट भी ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ। लेकिन अफसोस कि उसे ये बात सोचने का भी कोई मतलब नहीं था। उसने किसी से मदद लेने की सोची भी लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पाया। और अंत में एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया कि वो अच्छी तरह से फेल हो चुकी है। और साथ ही साथ उसे इतना अच्छा लगा कि उसे फिर आगे क्या हुआ होगा आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मजेदार बात यह है कि आखिर उसने क्या किया होगा। उसके मम्मी पापा जो भी उनके फैक्ट्री में या फिर उनके साथ साथ जो भी वर्कर्स काम करते थे उनको क्या जवाब दिए होंगे। उसने समय बर्बाद कर दिया, पैसे को बर्बाद किया और साथ ही साथ अपनी वैल्यू भी मम्मी पापा की नज़रों में गिरा दी। उसे नहीं पता उन्होंने कितनी मेहनत से तैयारी कराई थी और उसकी एक छोटी सी हरकत और छोटी सी गंदी हरकत की वजह से आज उसने पूरा साल बर्बाद कर दिया। बैठ के रो रही है, पछता रही है, लेकिन सच तो ये है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। अब उसके रोने का या पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने समझदार होते हुए भी बेवकूफ़ी वाला काम किया। उसे पता था कि वो कितना गलत है, फिर भी उसने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, उसका भी ठीक नहीं किया और अब वो बैठ के पछता रही है।
लेकिन आपको भी पता है उसके पछताने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें कि उसके पास तो टाइम नहीं मिला, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। अभी भी से भी समझ जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन चलाने में बिताता है, ताकि उसे भी इस बात के लिए रिलेशन हो सके। अगर आपको किसी भी तरह क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।